आइए बच्चों, अब हम वीडियो तीसरा है, अध्याय हमारा दूसरा है, जो सत्ता के समकालीन केंद्र वाला पार्ट है उसका आज ये लास्ट वीडियो है। इसमें आज आपका ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इस पहले पार्ट में जो सत्ता के समकालीन केंद्रों में हमने यूरोपीय संघ को देखा, फिर हमने आसियान को देखा, और आज हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान वाले टॉपिक को देखेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करेंगे, जो कि आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर हम विस्तृत रूप से समझेंगे और ठीक ठीक ढंग से जानेंगे, क्योंकि 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक कब तक 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो बच्चों, हम इस चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखेंगे। उससे पहले आपको चीन का ये झंडा है ये भी दिख रहा होगा, इसमें एक बड़ा सितारा है और चार छोटे सितारे हैं, ठीक है। तो ये क्या दर्शाते हैं? एक बड़ी जो साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेतृत्व में जो वहाँ के सामाजिक ढांचा है उसके चारों भाग, सामाजिक ढांचे का मतलब जो सामाजिक वर्ग विभाजन है चार, जिसमें मजदूर, किसान, श्रमिक ये आते हैं, तो ये इसके केंद्रित रहते हैं। तो ये चीन का, हमारा जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसी प्रकार से चीन का राष्ट्रीय ध्वज है, जो वहाँ की ये एकता को, मेल मिलाप को और उसके केंद्र के इर्द गिर्द बताया गया है। चलते हैं बच्चों हम आगे, हम देखते हैं अब माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो बच्चों ध्यान रखना कि साम्यवादी शासन की स्थापना कब होती है, 1949 में। शुरू में यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो बच्चों यहाँ थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जो 1949 में क्रांति में द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, इसका नेतृत्व कौन करता था? माओ। किसके नेतृत्व में हुई थी क्रांति, साम्यवादी क्रांति? माओ के नेतृत्व में, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम, जो इसके कारण जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनमें पहली समस्या थी कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। दूसरी जो समस्या आ रही थी वो ये है कि चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। बच्चों पता होगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन ही है। तीसरा, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, ठीक है बच्चों। तो हम आगे और चलते हैं। अब इन समस्याओं को कैसे सुधार किया जाए, उसके प्रति जो चीन में पहल की गई उनको देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकात्मस को ख़त्म किया। दूसरा जो सुधारों में पहल किया वो है 1973 में प्रधानमंत्री चाओ इन लाई एक कृषि, उद्योग, सेवा,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे। तो बच्चों इनका ध्यान रखना, आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव कौन से थे और प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने रखे थे, कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। तीसरा जो पहल है वो है 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग, ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, देंग सियाओपिंग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी या खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। चौथी पहल है 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। पांचवा पहल है 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज कहा जाता है, तो सेज का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। छठी पहल है चीन 2001 में, कब 2001 में, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, WTO, कौन सा, WTO, ठीक है बच्चों, तो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चीन, कब शामिल हुआ था 2001 में। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम, चीनी जो सुधार किए गए थे, हमने अभी जो पहल देखे गए थे, उन सुधारों की वजह से कुछ नकारात्मक पहलू भी निकल के आए। अब वो कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। पहला, वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से क्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तीसरा, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात कैसे थे, संतोषजनक नहीं थे। चौथा, गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है। पांचवा है, विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। छठा है, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं कि चीन के साथ भारत के कैसे संबंध है। पहले संबंध देखेंगे किन किन क्षेत्रों की वजह से विवाद है, और फिर इनमें देखेंगे किस प्रकार से इन विवादों को दूर करने की पहल या रुख या सौहार्द का माहौल तैयार करना। तो विवाद के क्षेत्र, पहला है 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम क्या गए हो गए, बिगड़ गए। दूसरा जो विवाद का कारण वह है, चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। तो आपको ध्यान देना बच्चों, भारत और चीन के बीच में आक्रमण या युद्ध कब हुआ था, 1962 में। तीसरा, चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना भी विवाद का कारण है। चौथा है, चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। पांचवा है, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। छठा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से वीटो पावर लगा देता है, और उसकी वजह से ये आतंकी जो घोषित पूरे विश्व के ऊपर करना होता है उनको वो नहीं कर पाते और प्रस्ताव रद्द हो जाता है। वैसे ही सातवां है कि भारत ने भी कुछ अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने वीटो पावर कर दिया, तो वो वहीं प्रस्ताव निरस्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे विवाद के क्षेत्र। अब विवाद के क्षेत्रों से निकलेंगे हम बाहर, किस प्रकार से सहयोग का दौर या क्षेत्र शुरू किया जाए या किया गया या किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। दूसरा जो सहयोग का क्षेत्र है वो है कि 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई।
तीसरा है, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। चौथा फैल है सहयोग का, वो है 1999 द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। पांचवा है, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। छठा है, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई है। थोड़ा इसमें आप ये भी ध्यान में रख सकते हो बच्चों कि चीन के राष्ट्रपति कौन, चीन के राष्ट्रपति कब 2019 में चीन के राष्ट्रपति कौन थे, सी जिनपिंग, ये हमारे भारत में आए थे, ठीक है। और बात की जाए 2018 की, तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे और कुछ समझौते किए गए थे। तो ऐसा मेल मिलना और मेल जोल वाला सहयोग के ही क्षेत्र में लिया जाता है या अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं, आपके पास्ट का आपके पार्ट का लास्ट में ये दो पैराग्राफ दे रखे हैं, इनमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जिनको मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इनको आप अच्छी तरह से किताब में भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो, और जो महत्वपूर्ण बनता है उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें से आपको याद क्या रखना है और पढ़ना क्या है। पहले तो ये जापान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जापान की कुछ ब्रांड कंपनी हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हो, मोबाइल है, कार है या कोई कैमरा है, तो उन कंपनियां कौन कौन सी कंपनियां किस देश की है। तो सबसे पहले सोनी पैनासोनिक कैनन, सुजुकी, होंडा, ट्विटो, माजदा, ये सारी कंपनियां कहाँ की है, जापान की। तो बच्चों ये कंपनियां पूछी जा सकती है जापान की, कहीं 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियां या 2 कंपनियां, तो आपको ये ध्यान में रखना है एक तो। फिर 2017 का ध्यान में रखना है कि जापान की अर्थव्यवस्था विश्व में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है बच्चों। उसके साथ में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि एशिया के देशों में अकेला ही जापान है किसमें, समूह 7 में, इसे G7 भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर और आपको थोड़ा सा ध्यान रख सको तो ये रख लेना कि परमाणु बम की विकसा झेलने वाला एकमात्र देश था जापान, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट कितना है, 10%, ठीक है बच्चों। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है, कब से, 1951 से, और जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या बात लिखेगी कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग और धमकी को काम लेने के तरीके जापान ने हमेशा के लिए त्याग दिया। मतलब जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में ये बात लिखेगी कि राष्ट्र के संप्रभु के अधिकार रूप में वो युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग नहीं लेंगे और इनका त्याग करते हैं, ठीक है बच्चों। आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये देखो रोबोट है और इस रोबोट का नाम है आसिमो, तो ध्यान रखना ये क्या है, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट है, ठीक है, रोबोट दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये क्या है, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट है जिसका नाम है आसिमो और वो बनाने वाले जापान देश है, ठीक है बच्चों। आगे एक और पैराग्राफ आपके लास्ट में दक्षिण कोरिया का हमें ये याद रखना आपको कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है, 1991 में, ठीक है बच्चों। और इसमें एक और ध्यान में ये रख लेना कि हान नदी पर चमत्कार क्या है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ये बताना है कि दक्षिण कोरिया क्या है कि एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में जब ये उभर रहा था तो 1960 और 80 के दशक के बीच में इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया, हान नदी पर चमत्कार, क्योंकि हान नदी पर दक्षिण कोरिया बसा हुआ है तो इसलिए इसको हान नदी पर चमत्कार कहा गया है।
थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, आपको जो मुख्य चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो हान नदी का खापर है दक्षिण कोरिया में, दूसरा है इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। सैमसंग आपने मोबाइल देखा होगा, टेलीविज़न देखा होगा, LG की भी आपने टेलीविज़न या फ्रिज देखा होगा, हुंडई की कार देखी होगी, ये कहाँ की ब्रांड कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। ध्यान रखना बच्चों, ये तीन कंपनियाँ सैमसंग, LG, हुंडई, ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप लोगों का ये पार्ट पूरा होता है। सारी जो चीज़ें हैं हमारी पाठ्यपुस्तक में वो मैंने यहाँ बताई है, समझाई है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला जो वीडियो लाएंगे वो हमारा तीसरा पार्ट होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, वो प्रश्न उत्तर भी हम बनाएंगे। फिलहाल आप इन वीडियो को देखो, समझो, सुनो और उतार सको तो अपनी कॉपी में उतार लो, एक बार नहीं दो बार पढ़ लो, कहीं जा रहे हो रिश्तेदारों में, शादी फंक्शन में, तब आपके ये वीडियो बहुत मददगार होंगे, क्योंकि हम किताबों को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए आप मम्मी पापा किसी के भी मोबाइल को कहीं पर भी कभी भी खोल कर सुन लो, पढ़ लो, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी और आप अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है बच्चों, ओके।